मैं आपके लिए लेके आया हूँ सविदा वर्ग 3 मैथ से जी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एवरेज का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन और है जो आप देख लीजिए ताकि आपके लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो वो गलत ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैसे करना है, लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो वो ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया, डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी है कि यदि मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे कर दिया, और वो हमेशा करेगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए ऐसा पढ़े ताकि आपका एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़े और अच्छे से पढ़े। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि चार लड़कों ए बी सी डी की आयु का औसत 5 वर्ष है, ठीक है। ए बी सी, ए बी डी और ई, यहाँ पे सी नहीं, की औसत आयु 6 वर्ष है, उनमें सी की आयु 8 वर्ष है, तो ई की आयु ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैथ्स का रूल यही कहता है कि जो आपके सामने है वहाँ से आप शुरू कीजिए, जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से आप शुरू कीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो एक तो पहले मैं उसको डिटेल में समझाऊँ, फिर सीधा आपको करना कैसे वो तरीका देख लेना। आपके पास में कितना है, ए बी सी और डी, डी का औसत कितना है 5 है। उसके बाद नोट कीजिए, ए ए और अपना बी, डी और ई का औसत कितना है 6 है। अब यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू दे रखी है अपने को, किसकी, ओनली सी की वैल्यू दे रखी, और अपने को ई की ज्ञात करनी है। बस यहाँ तक आपको समझ में आया कि दे क्या रखा है, ज्ञात क्या कर रखा है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, मेरे को औसत दे रखा है, यदि मैं औसत में संख्याओं का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करूँगा ए बी सी डी का योगफल निकाल लूँगा, और मैं काम करूँगा कि ए बी डी, मेरे पास 3 तो है, तो मैं काम करता हूँ चौथा जो मेरे मुझे ई ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। मैं सी की वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा और उस तरफ ले जाऊँगा, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रख दीजिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, मेरे पास 3 हो गए। अब मेरा कितना है 5 है, तो मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूँ संख्याओं का, मेरा क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो 5 1 2 3 4 संख्याएँ हैं और 5 उनका औसत है, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 20, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको, तो इन सबका योगफल कितना हो गया 20। अब मैं काम करता हूँ ए बी डी और ई को यहाँ से उठा के वहाँ रख देता हूँ, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सी की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे मेरी सी की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब आपको पता है कि ये संख्या उधर जाएगी, तो 20 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12। तो अब मेरे पास ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यहाँ से इतना समझ में आया, एक एक चीज़ें निकालना है, ए बी और डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर मैं यहाँ पर वो वैल्यू रख देता हूँ तो मेरा ई आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से एक तरीका और देखना, अब यहाँ पे आते हैं, मेरा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, आपको पता है कि जब संख्याओं का योग मल्टीप्लाई औसत में करते हैं तो योगफल आ जाता है, तो मेरी संख्या कितनी है 1 2 3 4, योगफल कितना है 6, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 6 चौक 24, तो इन सबका योगफल आ गया 24। अब मैं देखता हूँ ए बी डी की वैल्यू कितनी है 12, तो मैं यहाँ पे 12 रख दूंगा, प्लस मेरा ई 24। अब आपको पता है कि ये 12 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 कितना आ गया, मेरा ई बराबर कितना आएगा 12, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, अब आते हैं तरीके पर। ये तो हो गया, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, ए बी सी का, ए बी सी डी की कितनी 5, तो मेरा टोटल योगफल कितना हो गया 20, मेरे पास सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू रखी, तो मेरा ए बी और डी कितना आया 12। मैंने 12 को उठा के सीधा यहाँ पे रख दिया ए बी डी, और ई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 6, तो मैं औसत में संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, योगफल आ गया, और यहाँ से सॉल्यूशन कर दिया। ये सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए। अब आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले काम कीजिए, यदि एग्ज़ाम में ऑप्शन हो तो ऑप्शन उठाइए, मेरे हिसाब से वो उचित रहेगा। आप जैसे ही ऑप्शन उठाओगे कोई सा भी, तो आपको देखना है कि उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी, अपने को ई ज्ञात करना है, तो ए बी डी 6, तो ऐसा निकाल लिया आप, इन तीनों को अपने निकाल लिया 12, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखना और आपको पता चल जाएगा 12 और 12 24 होगा, तो मेरा ई आ जाएगा। ये वही बंदा कर पाएगा जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, और आपको भी प्रैक्टिस ही करना है। आप जितनी हो सके उन तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाएगा। हो सकता है 2 संख्याओं को दे दे, 5 संख्याओं को दे दे, 10 लोगों का दे दे,
तो उसमें कुछ नहीं करना, जो आपके सामने है वह समझिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन चालू कीजिए, ठीक है। तो जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से शुरू कीजिएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना जरूर, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊँ। एक एक बुक में करीबन करीबन 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, सब तो नहीं करवा सकते, लेकिन उनका तरीका समझा जा सकता है, और वही मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनसे क्या होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आगे भी बनेंगे, हो सकता क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, टाइप वो का वही रहता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है और नंबर से चेंज हो जाते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप पढ़ाए। अब ये टाइप और अगला देखिए कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। एक क्लास है किसी में जिसमें 11 परिणाम आए हैं, उनका औसत अंक कितना है? 60 है। पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम के 6 परिणामों का औसत 62 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान लगाइएगा कि कोई भी परिणाम है, 1 से 11 तक परिणाम है, उनका औसत कितना है? 60, ठीक है। अब जो पहले परिणाम है, पहले 1 से 6 तक जो परिणाम है, 1 से 6 तक जो परिणाम है, उनका औसत है 59। उसके बाद उनका कहना है कि अंतिम की जो 6, अब ये मान लीजिए मैं यहाँ पर 11 तक संख्या लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं 6 काउंट कर लूँ, और यदि अंतिम के 6 काउंट कर लूँ, तो आप यहाँ देखिए 6 दो बार काउंट होगा, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 6 दो बार काउंट होगा, जो छठा नंबर है, फिर जो अंतिम की जो 6 है उनका कितना है? 62। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप 5, 6, 7 इस तरह से आप 11 तक जाओगे, तो आप जब यहाँ से 6 काउंट करोगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, और उधर से आओगे तो भी 6 यहाँ आएगा। कहने का मतलब ये जो 6 है ये दो बार रिपीट हो जाएगा, दो बार रिपीट हो रहा है, इतनी सी बात समझ में आ गई, मतलब सब कुछ हो गया है। अब आप देख रहे हो कि 6 बार आएगा, यदि मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, उधर से उधर भी आएगा, लेकिन 6 दो बार आ जाएगा, तो कितने परिणाम हो जाएंगे? 12। लेकिन 12 परिणाम में एक ये डबल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और उसी जगह यदि मैं 1 से 11 तक की बात करता हूँ, लेकिन इन्हीं सभी सब की, ठीक है, इन्हीं सब में से मैं वापस से इन 11 परिणामों को घटा दूंगा, तो मैं 12 परिणाम में से 11 परिणाम घटा दूंगा, तो मेरा जो एक रिपीट हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ समझिए, पहले समझेंगे फिर शॉर्ट में करेंगे। अब मैं इन 11 परिणामों के औसत जो है, यानी औसत में संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे पास? टोटल संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी यही करूँगा कि 6 में 59 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरी 1 से 6 तक संख्याओं का योगफल आ जाएगा। उसी तरह से मैं 6 में 62 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे इन सबका आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है और ये वाला घटा देना है, ताकि 1 से 6 और 1 से 6 पीछे से ये वाले 12 परिणाम हो जाएंगे, 12 में से ये 11 माइनस हो जाएंगे, तो जो 6 हमारा रिपीट हो रहा था यहाँ पे और यहाँ पे वह आ जाएगा, ठीक है। तो वही अपने को करना है। तो मेरा ये कितना हो गया? 600। अब मुझे माइनस क्या करना है? इन दोनों में से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, और यदि आपको यदि शॉर्ट में करना हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ, वह तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि आपका जल्दी हो जाएगा। एक तरीका तो वो कि आप इन दोनों में से इसको माइनस कीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सीधा आपका आंसर निकालने का तरीका। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पता है कि हुआ तो रिपीट है, तो बस कुछ नहीं करना, आप एक काम कीजिए, पहले वाला उठाइए, 6 × 59 प्लस करना है इसको, तो 6 × 62 और सीधा अपने इसको माइनस करना है इसको, तो 11 × 60, ये आपका जल्दी हो जाएगा। अब यदि आप इसमें इसका मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा, सोचेंगे 54 ठीक है, ये हो गया 5 से 5, इसमें इसका करेंगे तो 6 × 12 6 × 36 और 1 × 37, माइनस करना है अपने को 660, ये आपका सीधा बन जाएगा। अब आप दो लाइन में आंसर निकाल सकते हो, इसलिए क्या है कि ये तो केवल समझाने का तरीका है, लेकिन करना ऐसे है, ठीक है। आप यदि इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने ये तो हो गया, हम इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। अब समझिए आप करना क्या था और अपनों ने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आएगा 66 आंसर। कहने का मतलब है वो जो परिणाम था जो दोनों बार रिपीट हुआ है वो कितना हो गया? 66, ठीक है। आया समझ में? आपको पूरा क्वेश्चन देखना है, कैसे बना है, क्यों बना है। अब जो आपके पास और भी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि 7 परिणामों का औसत 60 हो जाए,
वो बोल दे कि पहले चार परिणामों का औसत ये है और बाद वाले चार का ये है, तो भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, तरीका वो का वही है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, यदि मैं एक से छः बोला फिर एक से छः बोला, कितनी 12 संख्या हो गई, पर थी तो 11 ही, तो कहने का मतलब एक संख्या रिपीट हुई है इसमें। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ फिर किस टाइप के आएंगे वो बताते हैं। 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे, एक कक्षा थी उसमें 40 छात्र हैं, उनका औसत अंक कितना है 25 है। बाद में पाया गया कि 37 की बजाय 73 दर्ज कर दिया, मतलब जैसे कि कोई टीचर था उसने 37 लिखना था लेकिन गलती से 73 लिख दिया। आपको पता है 37 लिखना था 73 लिख दिया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। लिखना 37 था पर गलती से कितना लिख दिया 73। तो अब यहाँ देखिए, लिखना कम था लेकिन लिख दिया ज़्यादा, तो अब पता है आपको कि यदि बढ़ गया है तो औसत भी बढ़ा होगा, तो कहना का मतलब है 25 हो गया है तो कुछ कम ही रहा होगा। तो अब आते हैं काम की बात पर। एक तरीका तो वो कि आप 40 छात्रों और 25 औसत का मल्टीप्लाई करो, टोटल योग आ जाएगा, कितना आएगा आप वो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 25 चौक 100। अब यह काम कीजिए आप यहाँ से कि 37 और 73 दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं कि गलती कितनी हो गई है। या तो एक काम कीजिए आप 73 माइनस कीजिए फिर 37 प्लस कीजिए, एक तरीका तो वो, या फिर आप एक काम कीजिए दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, आप डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा ये 36, तो इसमें 36 माइनस करो उसमें फिर 40 का भाग दो, आपका औसत आ जाएगा। दोनों तरीके हो गए। एक तरीका पहला ये कि 1000 में से वापस हम 36 माइनस कर देंगे तो इसमें जितना जो हमारा लॉस हुआ है वो हमारे सामने आ जाएगा कि हमें कितना कम लिखना था लेकिन ज़्यादा लिख दिया। अब आपको ये दोनों तरीके नहीं करना है, अब मैं बताता हूँ आपको करना कैसे ये क्वेश्चन। जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम कीजिए, अपने को पता है कि अपनों ने क्या किया, ज़्यादा लिख दिया है, तो पहले वो देखिए कितना ज़्यादा लिखा है, 73 माइनस 37, ज़्यादा कितना लिख दिया है वो देखते हैं, कितना ज़्यादा लिख दिया मैंने 36। अब आपको पता है कि मुझे 40 विद्यार्थियों का औसत 25 था लेकिन मैंने एक विद्यार्थी का अंक गलत लिख के कितना लिख दिया, ज़्यादा, तो अब मेरा कितना ज़्यादा हुआ 36, तो मुझे 36 उसमें से माइनस करना होगा। तो मैं काम करता हूँ उस 36 को उसके योगफल में माइनस करने की बजाय मैं यहीं पर उसका औसत बना लेता हूँ और सीधा औसत माइनस कर दूंगा। तो आपको पता है कि हमें योगफल में सभी संख्याओं का भाग देते हैं तो क्या आता है, औसत। अब आप देखिए डिफरेंस कितना, हमने कितना ज़्यादा लिख दिया 36, तो हमें 36 माइनस करना है लेकिन हम एक काम करते हैं इसका यहीं पर औसत बना लेते हैं, तो औसत बनाने के लिए सब में बराबर बैठेगा, तो कितने लोगों में बैठेगा ये 40 लोगों में, 40 रुपये कम होगा, यदि बढ़ता तो 40 रुपये बराबर बढ़ता और कम होगा तो 40 रुपये कम होगा। तो अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, यहाँ से आपको डिवाइड अगर नहीं होता है तो फिर आप एक काम कीजिए कि सीधा इसे किसको करोगे, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और ये नीचे हो जाएगा 10, तो बस एक अंक छोड़ के पॉइंट सीधा। तो कहने का मतलब मेरा 0.9 ज़्यादा हो गया है, किससे, 25 से मेरा ज़्यादा हो गया है, तो मैं 25 में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा सही कितना आएगा 24.1। ये मेरा सीधा आंसर करने का तरीका। ठीक है, अब आप आते हो कि इस तरह से होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जो है उसे देखना है और जो आगे बढ़ गया है उसे माइनस करना है। ठीक है, एक तो तरीका वो, पहला आप ये वाला करो, लेकिन ये हमें करना नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप इतना कैलकुलेशन करोगे इसमें से फिर 36 माइनस करोगे फिर 40 से भाग दोगे। तो मैं काम करता हूँ दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना ज़्यादा लिख दिया मैंने, इतना ज़्यादा लिख दिया तो उसे कम करना पड़ेगा, तो मैंने उसका क्या बनाया, औसत बनाया, तो मेरा औसत कितना बना हो 0.9, ज़्यादा लिख दिया था इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि गलती से दो संख्याएं गलत लिख दी गई, 73 के स्थान पर 37 लिख दिया गया, या फिर मान लीजिए 84 के स्थान पर 48 लिख दिया गया, यदि ज़्यादा लिख देती है तो कम करना है और यदि कम लिख जाए तो ज़्यादा करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले टाइप का क्वेश्चन कराया, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, टाइप वो का वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज होगा तो वो आपको थोड़ा माइनस डिफरेंस समझना है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है, कोई क्रिकेट टीम है जो खेल रही है और 70वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, एक चीज़ समझना कि उसने इस बार ज़्यादा रन बनाए होंगे, पिछली बार कुछ उसका औसत था, इस बार उसने 87 रन बनाए, तो ये ज़्यादा बनाए होंगे तभी तो औसत बढ़ा ना, और मैंने आपको बताया कि जब भी ज़्यादा आता है तब औसत बढ़ता है,
और यदि कम आता है तो औसत कम होता है। तो कुछ न कुछ पहले औसत कम रहा होगा तभी तो बढ़ा ना, बढ़े कब का जब कम रहा होगा। तो अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि सत्तरवीं पारी में कितने रन बनाए उसने। पहले काम करते हैं, मैं आपको एक बेसिक तरीका है वो बताता हूँ, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमें एक्स मान के करते हैं, क्या मान के, एक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सोलहवीं पारी में मान लीजिए उसने एक्स रन बनाए, कितने बनाए, एक्स। तो उसने क्या किया, सत्तरवीं पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, कुछ रन बनाए। तो उसने क्या किया, वो जो एक्स था यानी जो औसत था उसमें वो रन भी बढ़ गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ बड़ा होगा तभी तो आया ना। तो अब यहाँ देखिए आप, कितना बड़ा था वो औसत में कितना बड़ा था, तीन, आपको बताए। तो ये होता है उसका बेसिक तरीका कि उसका औसत इतना था और कुछ रन रहे होंगे, लेकिन रन कितने आए, 87। ये इसका बेसिक तरीका होता है कि एक्स मान के करने का। लेकिन मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जिसमें एक्स मानते, क्योंकि जब भी हम एक्स मान लेते तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो जटिल बन जाती है, उसे करने में हमें डाउट थोड़ा टाइम लगता है और उसमें गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये वाला नहीं करना है, ये सिर्फ बताने के लिए बताया आपको कि एक्स मान के ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन हमें क्या करना है, एक शॉर्ट तरीके पे आना है। आपका शॉर्ट तरीका ये कहता है कि सोलहवीं पारी में कुछ रन कुछ औसत रहा होगा। अब देखते हैं सत्तरवीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, कितने बनाए, 87। अब यदि जब भी आपको सोलहवीं पारी में ज्ञात करना हो तो नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली में ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि मेरे रन कितने हो गए, 87। इसको साइड में रखिए, याद हो गया मेरे को पक्का। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पर। इसके आने से मेरा कितना, तीन जो औसत था वो बढ़ गया है, क्या हो गया, तीन औसत बढ़ा है। बढ़ा कितना औसत, तीन, किसकी पारी से आने से। यदि मुझे पूरा, अब यहाँ ध्यान रखना, यदि सत्तरवीं पारी ज्ञात करना हो तो सोलहवें में मल्टीप्लाई करेंगे, नई पारी ज्ञात करना हो तो पुराने वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, और पुरानी ज्ञात करना हो तो नई वाली में। ये रट लेना, और ये रटना ही पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लेना कि यदि ये ज्ञात करनी हो तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये करनी हो तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बनेंगे ना, उनमें सब में यह का ये लगेगा, इसलिए ये ध्यान रखना। अब मुझे कौन सी पारी ज्ञात करना है, सत्तरवीं में यह ज्ञात करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे सोलहवीं पारी का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 48। कहने का मतलब है कि इतना जो था उसका कुछ रहा होगा तभी तो वो बढ़ा है। इसी को एक काम कीजिए आप, ये जो इस बार का जो रन बढ़ा है, यानी सभी पे रन बढ़ा है, तीन मैंने आपको बताया था कि औसत जो भी बढ़ता है वो सब पे बढ़ता है, तो किन की 16 पारियों पे बढ़ेगा, वो 16 पारियों पे बढ़ेगा। एक पारी पे कितना बढ़ रहा है, तीन औसत बढ़ रहा है, तो पुरानी जो 16 पारी है कितना बढ़ गया, 48 औसत बढ़ गया है, सभी बढ़ा। अब रन कितना था मेरा, 87, उसमें मैं 48 माइनस करूँगा तो कितना आया मेरा, यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये आएगा 39। तो ये मेरा नया वाला औसत आ गया है, सीधा आपका यहीं पे क्वेश्चन बन गया है, समझिएगा। एक पे कितना बढ़ रहा है, तीन, तो 16 पे कितना बढ़ा, 48। तो ये 48 तो बढ़ गया है ना, ये 48 औसत बढ़ा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, जितने भी रन है उसमें से जो रन बढ़े हैं वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि जितने भी रन थे उसमें से जो मेरे बड़े हुए रन है, कितने, 48 बड़े हुए रन है, औसत तीन औसत बढ़ने के कारण वो मैंने माइनस कर लिया, मेरा 39 आ गया। ठीक है, और यदि आपको अब ये कितना आ गया, सत्तरवीं पारी का, तो तीन बड़ा हुआ है, यदि मैं तीन माइनस करूँगा तो मेरा सोलहवीं पारी का आ जाएगा, ये मेरा सोलहवीं पारी का औसत आ गया। एक तो ये, और यदि आपको सीधा अगर सोलहवीं पारी का ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ताकि आपका दोनों तरह से हो जाएगा। मुझे ज्ञात किसका करना है, सोलहवीं पारी का। ठीक है, सोलहवीं पारी का ज्ञात करना है। तो अब आप यहाँ ध्यान लगाइए, मैं पीछे वाली पारी की बात कर रहा हूँ, तो सत्तरवीं पारी टोटल खेल चुके हैं। तो अब आप देख लिए कि जो तीन औसत बढ़ा है वो सब पे बढ़ा है, सब पे बढ़ा है ना। हम सत्तरवीं पारी की बात करते हैं, सोलहवीं बढ़ा था, अब वो सोलहवीं की बात करें, सत्तरवीं भी बढ़ा होगा, तो वो सत्तरवीं वाला तीन लेके जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, 17 × 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो गया मेरा, 51। कहने का मतलब ये सभी पे बढ़ गया है, और मेरा था कितना, 87, उसमें से मैं 51 माइनस कर देता हूँ तो मेरा सोलहवीं पारी का औसत आ जाएगा कितना, 36। ये सीधा आपका आंसर, यही होता है क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, बस समझना है हो क्या रहा है और आपको करना कैसे,
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारा आते हैं, और यदि आ भी जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन देखिए आप, इससे पहले आपको मैंने कौन सा बताया था, बढ़ने वाला, इस बार देखिए कम कर, 11 पारियों में कुछ औसत है, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। कहने का मतलब है इस बार उसने कितने 90 रन बनाए, फिर भी उसका औसत कम हो गया। अब मैंने आपको बताया कि औसत कम होता है तो सब पे कम होता है, तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ रन कम बनाए होंगे तभी तो वो कम हुआ। और इससे पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि बढ़ रहा है, तो इस बार ज़्यादा बनाए हैं तभी तो बढ़ रहा है सब पे। मैंने आपको इससे पहले कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति चला जाता है उसकी जगह कोई नया व्यक्ति ज़्यादा लेके आता है तब औसत बढ़ता है, और यदि कम लेके आता है तो कम उसका औसत कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो लेके आया है ये कम लेके आया है तभी तो अपना औसत कम हो गया है। तो एक तरीका तो वो एक से मानने वाला होता है जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। अब आते हैं शॉर्ट तरीके पर, कहने का मतलब है 11वीं पारी में कुछ औसत है, ठीक है, तो 11वीं पारी में क्या है वो अपने को नहीं पता और अपने को वही ज्ञात करना है। लेकिन 12वीं पारी में क्या किया कि उसका जो औसत था वह 5 कम हो गया है, कहने का मतलब है निम्न चला गया, मतलब कम हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ 90 रन ही बनाए, 90 रन ही बनाए। अब आपको पता है कि 90 रन कम है तो इसमें हम कुछ जोड़ देंगे तो पुराना वाला औसत आ जाएगा या फिर जो बड़ा हुआ औसत आ जाएगा। उसी तरह से हम 87 में से माइनस कर रहे थे, माइनस करने का तरीका ये था क्योंकि वो रन ज़्यादा थे और औसत कम था। इस बार क्या हुआ कि औसत ज़्यादा है कुछ, रन कम है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये प्लस माइनस वाला डिफरेंस ध्यान रखना और अच्छे से समझ जाना था कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आते हैं काम की बात पे। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो भी है औसत से लेके चलना है, 5 औसत एक पे कम हो रहा है तो 11ों पे भी तो औसत कम का होगा ना, एक पे 5 कम हो रहा है तो 11 पाजियों पे कितना कम होगा, 55, ठीक है। अब ये कम हुआ है किसके कारण, 90 के कारण, ये कम हुआ है 90 के कारण, 90 के कारण ये कम हुआ है। तो मैं काम करता हूँ 90 में इसको जोड़ देता हूँ ताकि वो पुराना वाला औसत आ जाएगा मेरा, तो मैंने वही करता हूँ, 90 में मैं 55 जोड़ देता हूँ तो मेरा औसत आ गया 145। कहने का मतलब ये पुराने वाला आ गया है, पुराना उसका औसत कितना था, 145 चल रहा था, इस बार इसने रन कम बनाए तो वो सब पे कम हो गया, कितना कितना 5-5, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि वो बोलते कि 12वीं पारी का ज्ञात कीजिए, ये अपना 12वीं पारी का, और बोल दे कि 11वीं पारी का ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और वो मेरा 90 और मैं 60 को जोड़ दूंगा तो मेरा जो 11वीं इस बार 12वीं पारी का औसत है वो आ जाएगा 5 कम, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि यदि मैं 11 लेता हूँ तो ये वाला आ रहा है, अब आना कितना चाहिए था, अब आप देखिए 145, यानी कुछ ना कुछ बड़ा हुआ रहा होगा तभी तो कम हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए आप कितना हो गया ये 0 और 150 आ गया। आपको अब देखिए ये कौन सा आया 11वीं पारी वाला, क्योंकि मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 11वीं पारी, अब ये कौन सा था आपका 12वीं पारी वाला। अब आप देखिए कि 12वीं पारी में, पहले हम 11वीं पारी वाला देखते हैं, 11वीं पारी में कितना था उससे 150, क्वेश्चन ने क्या बोला 5 कम हुआ तो हो गया अपना 5 कम, 12वीं पारी में 145 ही रह गया। आ गया समझ में, दोनों तरफ से प्रूफ हो गया ना। तो समझने वाली बात यह है कि जो दिया है उसे उठाइए, क्वेश्चन करने का तरीका है, शॉर्ट टिकों में तरीका याद रखना पड़ेगा। तो बस अगर पहले वाला ज्ञात करना हो तो बाद वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, और अगर बाद वाला ज्ञात करना हो तो पहले वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि कम होता है तो जोड़ते हैं, और उस तरफ बढ़ रहा था तो माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये थोड़ा दिमाग लगा के बेसिक सोच लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 32 है, प्रथम तीन संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए, प्रथम की जो 2-3 संख्या उन्हें 2-2 बढ़ा दिया जाए, और बची हुई प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपने पास कोई संख्या है, प्लस कर लो या फिर एक काम करते हैं संख्या लिख देते हैं, सी डी ई और एफ, कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्या है। पहली वाली में से अपनों ने क्या किया 2 बढ़ा रहे हैं, पहली जो है ना उनमें 2-2 बढ़ा रहे हैं, प्लस का 2, यहाँ भी प्लस 2 कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है, हम जो बची हुई है उनमें से 4 माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तरीका आपको बताऊँ मैं क्वेश्चन करने का, पहले तो आप एक काम कीजिए, 6 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल योगफल आ जाएगा, ठीक है।
तो कितना होगा, 6 × 12, 6 × 3 = 18 और 1 = 19। ये मेरा कितनी 6 संख्याओं का योगफल आया है, ध्यान देना यार, 6 संख्याओं का योगफल आया है। अब मैं काम करता हूँ, जो बढ़ रहा है उसे प्लस करता हूँ, 2 × 2 = 4 + 2 = 6, कितना बड़ा मेरा +6। अब मैं काम करता हूँ जो माइनस हो रहा है उसे माइनस करता हूँ, कितना हो रहा है 4 × 4 = 4, कितना मेरा -12। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब यहाँ से एक चीज़ देखना, 12 में से 6 और माइनस होगा तो यहाँ कितना बचेगा 186। अब ये मेरे कितनी संख्याओं का, 32 संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। अब मैं वापस से इसमें 32 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक देखते हैं, 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 4 कम हो रहा है 4 कम हो रहा है 4 कम हो रहा है। मैंने आपको बताया कि यदि औसत में संख्याएँ बढ़ती है, यदि उसमें ज़्यादा जाता है तो औसत बढ़ जाता है, और कमी होती है तो औसत कम हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कितनी वृद्धि हो रही है, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 की तो वृद्धि हो रही है, कमी कितनी हो रही है 4 × 4 = 8, कितनी -12, ठीक है। तो ये 6 तो बढ़ रहा है, -12 आ रहा है लेकिन 6 वापस जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कमी कितने की हो रही है, -6 की। कहने का मतलब है कि जो संख्याएँ हैं 6 संख्याएँ, इसमें -6 की कमी हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं यहाँ पे 6 का भाग देके निकालूँ, या फिर एक काम करता हूँ, किसकी कमी हो रही है 6 की, इसे मैं औसत में कन्वर्ट कर देता हूँ। कमी कितने की हुई, एग्जैक्ट कमी कितने की हुई, -6 की। और कितनी संख्याओं पे कमी हुई, जितनी संख्याओं पे कमी हुई उतना भाग देंगे ताकि औसत आ जाएगा। कितनी संख्याओं पे कमी हो रही है, 6 संख्याओं पे, तो कितनी कमी हो रही है, -1 की कमी। तो औसत कितना था मेरा 32 मेरा औसत था, 1 औसत कम हो गया तो कितना आंसर आएगा 31। आप यहां से माइनस करोगे तो भी आपका कितना आएगा, आप यहां पे माइनस करो तो भी आपका वॉक अवे आएगा, बस आपको देखना है कि आपकी कमी कितनी हुई, ठीक है। अब एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, या तो मैं सबका औसत निकाला, औसत मेरा 32 है, मैंने 6 संख्याओं से मल्टीप्लाई किया, टोटल मेरा योगफल आ गया। अब मुझे पता है कितने की वृद्धि हो रही थी, तीनों में करके 6 की, कमी कितने की हो रही थी 12 की, तो मैंने यहाँ पे जो कमी हो रही है उसको माइनस कर दिया, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा दिया, तो मेरा कितना आया 186। अब आपको पता है 186 टोटल योगफल हो गया। अब मैं संख्याओं से उसमें भाग दूंगा तो मेरा औसत आ जाएगा, मैंने 6 से भाग दिया, कितना आ गया 31। ये हो गया आपका पहला तरीका। अब आते हैं मेरे वाले तरीके पर, जो बढ़ रहा है वो बढ़ा दिया, जो कम हो रहा है वो कम कर दिया। तो एग्जैक्ट मेरे सामने क्या निकल के आया, माइनस की बड़ी संख्या है, मतलब मेरा कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 6 कम हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि 6 नंबर कम हो रहा है संख्याओं में, लेकिन वो सभी संख्याओं पे कम हो रहा, एक सब में से निकल के आएगा ना। तो मैं काम करता हूँ उसे औसत में बना लेता हूँ, 6 नंबर कम हो रहा है तो मैंने 6 से भाग दिया तो मेरा एग्जिट औसत कितना कम हुआ, -1 औसत कम हो रहा है। मेरा पहले औसत कितना था 32, तो अब मेरे को पता चल गया है उसमें से 6 माइनस जा रहा है, मतलब 1 औसत कम हो रहा है, तो मेरा कितना आ गया 31। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आपको मैंने जितने भी टाइप के बनते थे इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो किस टाइप से पूछेगा, तो कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ चेंज होगा। लेकिन यदि आप 100% यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे एग्जामिनर में कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपका एग्जाम वाला, आपका कभी गलत नहीं होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें लिंक होगी तो आपको वो भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत सारे टाइप करवा दिए, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। बस फर्क इतना है कि यदि आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो 100% बाहर नहीं जाएगा, अन्यथा आप एक बार क्वेश्चन देखते हो फिर भूल जाते हो। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करने का डिटेल में तरीका बताया कि ये कैसे बना, क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ है। तो हमारा जो भी हुआ मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, सम संख्या विषम संख्या है, मैंने आपको वर्गों का घनों का सबका औसत निकालना बता दिया, संख्याएँ चेंज होती वो भी सिखा दिया, कुछ व्यक्ति आते हैं कुछ जाते हैं वो भी सिखा दिया, रनों वाला भी सिखा दिया कि रन कम ज़्यादा होते हैं, और मैंने आपको वो भी सिखा दिया कि 11 व्यक्ति है तो उसमें 6 का औसत नीचे 6 का औसत। अब सारे टाइप हो गए, बस कुछ नहीं बचा है, अब आपकी प्रैक्टिस बची है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।